अच्छा लग रहा है मेरा, इतना अच्छा मेकअप हुआ हुआ नहीं देखा मेरा तो, वही नहीं हो गई हूँ रेडी। तो मैंने क्या किया, सेम वही मेकअप रहने दिया। सबसे पहले जी मैंने फेस धोया है अपना, साथ साथ मैं चीज़ें बता रही थी वकास को और बच्चों को, यहाँ रखा है आपका ड्रेस, आपका ड्रेस यहाँ रखा है। सो मसला ये था कि एक ही दिन में दो इवेंट थे, मतलब सुबह सवेरा की बारात थी और शाम को था वलीमा, क्योंकि जो दूल्हे वालों को दूर दूर से मेहमान आए हुए थे ना, उन लोगों ने वापस जाना था। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से मुँह हाथ वगैरह धोया अच्छे से, फिर मैंने टीथ ब्रश की है और तस्वीर बाजी, एक घंटा हो गया तैयार हो रही है, अभी तक ये तैयार ही नहीं होगी तेरी, मतलब हमसे ज़्यादा टशन तो भाई इसके। अच्छा तो मैंने इन द लास्ट आके ये ड्रेस पहन लिया क्योंकि वो कास कह रहे काला सूट पहनो। सो जब आपका फेस हल्का सा गीला हो ना, तो आपने लगाना होता है हाइलूरोनिक एसिड सीरम, ठीक है। इससे ना क्या होता है, आपकी स्किन और मेकअप में एक लेयर भी बन जाती है, आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होती बल्कि आपकी स्किन रिपेयर होती है, ठीक है। हाइलूरोनिक एसिड सीरम स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है, स्किन को यंग भी रखता है, फाइन लाइन्स और रिंकल्स और एजिंग आ रही होती है स्किन को, स्किन पर उसको भी रिड्यूस करता है, ठीक है। बट हाइलूरोनिक एसिड सीरम अच्छे वाला हो, ठीक है, इसको आई के नीचे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। हर स्टेप को ना आपने कुछ सेकेंड्स देने हैं कि सीरम एब्जॉर्ब हो जाए, फिर मॉइस्चराइज़र लगाना है आपने, ठीक है। मॉइस्चराइज़र, हाइलूरोनिक एसिड सीरम, इन सब का लिंक लगा दूँगी मैं। उसके बाद ये मैंने लगाई है फाउंडेशन, बेबी क्रीम, जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो लगा सकते हो। सो मैं आपको बताया हमेशा एक ही मेथड से लगाती हूँ कि अच्छा मैंने प्राइमर भी लगाया था, सॉरी आई डोंट नो क्लिप क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ, मैंने प्राइमर लगाया था, उसका भी लिंक लगा दूंगी। प्राइमर लगाने के बाद फिर मैंने फाउंडेशन लगाई है, बीबी क्रीम थी ये। सो लाइट वेट होती है, बहुत ही प्यारा सा फ्लॉलेस सा ग्लोई सा और अच्छा सा ड्यू सा इफेक्ट आता है, बट स्किन भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने कल बताया था आपको, अगर स्किन पर एक्नी, पोर्स, स्कार्स, सारी चीज़ें हैं तो फिर बीबी क्रीम आपको कवरेज नहीं देगी। आपको कलर कलेक्शन करना मस्ट है, ठीक है, अगर आपको ये सारे इश्यूज़ हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, फाउंडेशन लगा के उसको एक दो सेकेंड देती हूँ, उसके बाद उसको फिंगर से स्प्रेड कर लेती हूँ। जितना अच्छा फिंगर से आपकी जो स्किन पे बेस की कवरेज आती है ना, वो किसी से नहीं आती, फिंगर की हीट से एक सुराख फील हो जाता है आपका। उसके बाद जी आपने क्या करना होता है, जो आपका स्टिपलिंग ब्रश होता है उससे ना आपने अपनी बेस को, स्टिपलिंग ब्रश या फाउंडेशन स्पंज कोई भी आप ले सकते हो, क्योंकि स्पंज तसीम ने पकड़ा हुआ था, सो फिर मैंने जो हमारा स्टिपलिंग ब्रश था उससे ब्लेंडिंग किया। देखा मैंने फिंगर से जब इसको फैलाया है ना, सो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि फिंगर से ब्लेंड किया करें। आपने देखा काशीज का कितना बड़ा सैलून है, नाम है उसका एक, वो भी फिंगर से ही बेस लगा आता है। और मैंने जिन जिन सैलून में जॉब किए हैं वहाँ पे मैंने देखा है वो सब फिंगर से ही बेस ब्लेंड करते हैं। फिंगर की हीट से ना आपके पोर्स और स्कार जो है वो नेचुरली फिल हो जाते हैं, जबकि फाउंडेशन या बीबी क्रीम कुछ भी आप लगा रहे होते हैं ना, वो आपके पोर्स वगैरह में ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है और आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी नहीं पड़ती, आपकी बेस उभरी हुई नहीं लगती, ऐसा लगता है बिल्कुल नेचुरल फ्लॉलेस से आपकी स्किन है। उसके बाद आपने स्टिपलिंग ब्रश से या फाउंडेशन स्पंज से अपनी बेस को जो है वो सेटल करना होता है, कहीं से उभरी हुई है कहीं से बैठी नहीं है, तो अच्छे से फिक्स हो जाए आपकी बेस। सो आप देखें बेस कितने अच्छे से मेरी बैठ गई है। मैं यहाँ पर ब्लश लगा रही हूँ, ठीक है, ब्लश वाले ब्रश से मैंने ब्लश लगाया है नोज़ पे भी। अच्छा मैं ना कंटूर नहीं करती हूँ, अपना जो ब्लश होता है ना उसी से ही मैं अपने फेस को शेप दे लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने जिस कलर का ब्लश लगाया है ना उसी कलर का जो है वो आई शेड लगाया है मैंने, आईज़ के ऊपर भी और आईज़ के नीचे भी, क्योंकि मुझे ये दोनों ड्रेस पे मेकअप चलाना है। सो यहाँ पे जो है ना मैं ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लेके जो है, मेरे सारे कपड़ों पर पाउडर झड़ गया है, वकास वगैरह क्या किया है कपड़ों का हाल, तुम्हें सारा पाउडर झड़ गया है। सो मैंने सारा वो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर था वो लगाया है, फिर मैंने यहाँ क्रिस्टीन की एक लिपस्टिक लेके वो लगाई है, इसके ऊपर मैंने खाइस की लिपस्टिक लगा ली थी, तो बहुत ही प्यारा कलर है। यहाँ पे इसको अच्छे से ब्लेंड करना है मैंने, उसके बाद क्योंकि ना इससे क्या होता है लिप्स जो थोड़े ड्राई हुए होते हैं ना वो भी कवर हो जाते हैं। यहाँ पे जी मुझे इतना देर हो गई यार, बस वकास ने इतना शोर मचाया हुआ था, फिर बाकी कुछ रिकॉर्ड कर नहीं सके, मैं आगे दिखाती हूँ आपको अपना मेकअप। ओके भाई, तो अभी हम सब हो गए रेडी, वकास ने बोला मैंने ब्लैक ड्रेस पहना, तुम भी ब्लैक ही पहन लो साथ में मैचिंग का, और शाम का मेरा भी सिल्वर है इनका भी सिल्वर सा है। तो तस्वीर आप दिखाओ कैसी लग रही हो, तस्वीर अरमेश, और हमने ड्रेसेस टांगे हुए यहाँ पे, वापस आने का टाइम नहीं है, वहीं से बलिंग में चले जाएंगे। भला अगर अब आज का सेम ड्रेस, अब आज कहाँ है निशान जी, अब आज घर रह गया। ये हमारी अरमिश है, अरमिश अपना फ्रॉक घूम के दिखाओगे, ये भाज है जी हमारा, हेलो भला आज पिक्चर से बनवा लो ना, वाह आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। ये श्याम भी आ गया है भाई, तस्वीर है, तस्वीर में ये पहले, तस्वीर का वलीमे का ड्रेस ज़्यादा अच्छा है ना। अच्छा ये वाला ड्रेस जो था ना वो इस तरीके का है, वैसे आप लोगों ने देखा हुआ है, मैंने कहा अगेन दिखा दो, मेकअप भी मैंने फिंगर से किया था यार, बस एक वो जो शेड लगाया था ना शॉकिंग पिंक वाला, उसके ऊपर एक गोल्डन शेड लगा लिया था बस, बाकी प्रोफेशनल फोटोज आएंगी शेयर करूंगी आपके साथ। मेरा इतना अच्छा मेकअप हुआ हुआ नहीं देखा मेरा तो, वही नहीं अब अगर मेकअप कैसे, मैं पहले आपको दूसरी जगह दिखाऊंगी, आप मुझे दूसरी जगह दिखाना, आप मुझे दूसरी जगह दिखाऊंगी कैसे लगेगा। मेरी बेगम ज़्यादा अच्छी लग रही है भाई, मेरी बेगम ज़्यादा अच्छी लग रही है, सबसे सबसे
लोग आ गए चाची नसीम के घर, कपड़े चेंज करेंगे और फिर यहीं से निकलेंगे वापस। आज मैंने आप लोगों को दिखाना है कि आप ना एक ही मेकअप दो दिन कैसे चला सकते हो। मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ ना माशाल्लाह, कोई तारीफ करे ना करे, खुद अपनी तारीफ कर लेते हैं हम। आजकल कैसी लग रही थी सच्ची? हो गई हूँ रेडी। तो मैंने क्या किया, सेम वही मेकअप रहने दिया, लिपस्टिक थोड़ी सी कर ली और जो आई पर लगा हुआ था ना उस पर सिल्वर मिक्स करके लाइनर फ्रेश कर लिया। यहाँ से मैंने ये हेयर स्टाइल बनाया, उसको पिनअप कर लिया क्योंकि इतने बाल ही नहीं है कि कुछ और बन सके। साथ में नेकलेस थोड़ा सा लूज करके पहना क्योंकि आपको पता है मेरी गर्दन छोटी है, अगर मैं उससे टाइट करती हूँ ना फिर मेरी गर्दन नजर नहीं आती, फिर मैं बोनी बोनी लगने लग जाती हूँ। और इयर रिंग्स पहने मैंने ये वाले, बस अब मैं अपनी सैंडल्स पहनूंगी, दुपट्टा लूंगी और फिर वहाँ पर मैंने फोटोग्राफर बुलवाया और फिर आपको ओवरऑल पिक्चर दिखाऊंगी कैसी है। सो ये मेकअप दोनों टाइम फंक्शन में मैंने चलाया है, ठीक है। अब मैं मिलती हूँ आपको शादी हाल में। अरबिश ने ये वाला फ्रॉक पहना, अरबिश यहाँ देखो, वाओ प्रिंसेस। और तस्वीर ने ये पहना हुआ है, नाइस, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और दोनों बच्चे जो है ना वो तो बहुत प्यारे तैयार हुए हैं, वो बाहर बैठे हैं। भला आज अब आज इन्होंने ये पहना हुआ है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट ये मैंने वलीमे के हिसाब से लिया था। इनके देखो ऐसे नाइस उसका वो रहा। अब ये वहाँ पहुँचते तो इंसानों की तरफ कैसे लग रहा है दिखाऊंगी आपको। भाई तो मैं ऐसे लग रही हूँ और वकास को दिखाती हूँ, वकास ऐसे लग रहे हैं। देखिए यहाँ देखें और मैंने ना एयरिंग अच्छा ज्वेलरी जो है ना वो मैं रीयूज कर लेती हूँ, कपड़े भी रीयूज कर लेती हूँ, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मैंने यहाँ पहना था वहाँ पहना था, जो अच्छा लग रहा है बस पहन लो। तो ये ड्रेस जो है अंदाज से बनवाया था मैंने, जो मैंने पहले पहना हुआ था वो पुराना है लास्ट ईयर का, बट वो भी मैंने अंदाज से ही बनवाया था, वो मेरे किसी रिलेटिव ने नहीं देखा हुआ था, वीडियोज वगैरह मैंने पहना हुआ है वो, तो मैंने उसी को रीयूज कर लिया। और ये सिल्वर की जो चाची सिल्वर पहन रही थी, मैंने कहा मैं भी सिल्वर पहन लेती हूँ, तो ये मैंने पहना सिल्वर ग्रेश था कलर है। सब वहाँ जाके मिलते हैं आपको। तो अभी हम सब जा रहे हैं वलीमे पे, फिर सारी गाड़ियाँ हमने लाइन वाइज आगे पीछे लगाई हुई हैं, तो सारे इकट्ठे हुए थे पहले हम लोग जिया मस्जिद, अब यहाँ सारे इकट्ठे होके जा रहे हैं। सीट जो है ना वो असल लोगों की गाड़ी में चली गई है। अभाज अरविश अभाज फिर सो गया भाई, मैं अभाज अरविश और बलाज और वकास इधर। फाइनली हम घर पहुँच गए, मेकअप देख रहे हैं, ए सिटी जी है और वकास को इसलिए साथ लेती हूँ, कोई ये ना बोले कि फिल्टर लगाओ क्योंकि लोग फिर बोलते हैं, पता नहीं यार लोग इतने गीबत इतने बोहतान कैसे कर लेते हैं, लिटरली अपने आखरत ख़राब करने मेरा ख्याल लगे रहे हैं। बट खैर बहुत प्यारा मेकअप, बहुत अच्छा आउट क्लास, और सुबह से किया हुआ था कि दोनों फंक्शन थे एक ही दिन में, बारात भी और वलीमा भी। आप देखे ना लेशेज उतरी, ना लाइनर ख़राब हुआ, ना आई मेकअप कहीं गया, ना बेस कहीं गई, क्रीजिंग भी नहीं गया। आप देखें कितनी बातें करती हूँ मैं कि कहीं पे आपको नजर आ रहा हो लाफ लाइंस बनी है या कुछ भी नहीं, परफेक्ट। आप बताना खुद को मैंने कैसा लग रहा है। सो ये था जी इजी पीजी सा मेकअप लुक, सारे प्रोडक्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग बाय कर लेना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।